सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स, मैं आरती शर्मा आपके सामने हाजिर हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। और गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत मज़ेदार। और इधर जा रहा है मेरा बेटा स्कूल, उनकी बहनें हो रही हैं तैयार। वो पहन रही है जूते और ये कर रही है इधर कंघी। तो मैं फटाफट बना देती हूँ इसकी चोटी जल्दी से। देखिए कितने आराम से बैठे इन बच्चों को टेंशन ही नहीं है स्कूल जाने की। ये देखिए और ये देखिए इसका तो डिस्को चल रहा है, डिस्को शीशे में देख के। तो गाइस इधर आदित्य के आए हैं 25 में से 20 नंबर, तो देखते हैं इसके कहाँ कहाँ नंबर है। फीलिंग द ब्लैंक्स में इसके फोर्थ गलत है और एक ठीक है, तो इसका एक नंबर आया है। तो चार नंबर तो इसके यहाँ कटे हैं, एक नंबर तो इसका मिला है। और इधर सब कुछ ठीक है इसका, सारे सम्स ठीक है। और इधर ये वाला मैम ने रोंग किया हुआ है, क्यों किया हुआ है ये रोंग। और इधर भी मैम ने हाफ नंबर काटा हुआ है क्योंकि थ्री नंबर का था। ये गलत लग गया था पेपर में, इसलिए मैम ने हमसे हाफ। अच्छा, तो इधर इसका इधर भी हाफ नंबर कटा हुआ है इसमें, मुझे नहीं पता क्यों कटा हुआ है, मैम ने तो क्यों काटा है। नहीं, यहाँ पे कुछ लगाना था, देखो मैम ने लगाया हुआ भी है, डोर्स भी लगाए हुए हैं। सो इधर भी हाफ नंबर कटा हुआ है इसका। और चलो, तो ये इसका पेपर था मैथ का। तो अभी देखते हैं आगे और कौन कौन से पेपर मिलते हैं जो ये हमें देगा लाके। तो फिर कुछ मीठा हो जाए इसी बात पे, कुछ मीठा हो जाए इसी बात पे। तो चलो आज बनाते हैं मिठाई कोई अच्छी सी। सो गाइस, आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ मतलब कि प्रसाद में नारियल आता रहता है। तो क्या होता है कि बच्चे खाते नहीं है कई बार, तो मैं उनको क्या करती हूँ कि मैं उनको ऐसी चीज़ बना के देती हूँ जिसे वो जल्दी से खा ले। और आप भी देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैंने ये नारियल मेरा प्रसाद में आया था, तो मैंने ये सारा कट कर लिया है। और इधर मेरा थोड़ा सा और प्रसाद आया था जो कि खाटू श्याम से आया था, खाटू श्याम बाबा के यहाँ से आया था ये वाला प्रसाद, कि बच्चों ने मुंह भी नहीं लगाया बिल्कुल जरा सा भी। तो ये देखिए फिर भी नहीं रहा है, तो मैं इस प्रसाद को भी इसमें डाल लेती हूँ और इन सब प्रसाद को मिला के पीस लेती हूँ मिक्सी में। और इधर मैंने तीन चार इलायची के दाने लिए हैं और यहाँ पे एक कटोरी चीनी ली है, तो ये चीनी में डाल के मैं पीस लेती हूँ एक बारी और फिर उसके बाद इसको पीस लूँगी। सो गाइस देखिए, मैंने चिमनी को बिल्कुल बारीक पीस लिया है, बिल्कुल ही बारीक, और मैंने इसको डाल लिया एक बाउल में देखिए। और अब मैं पीस लेती हूँ मेवे जल्दी से। सो गाइस देखिए, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है दूध डाल के, मैंने इसमें दूध डाला थोड़ा सा और पहले चिमनी को मिक्स कर लिया। और मेरे से गलती से कैमरा ऑन नहीं हुआ, और जिससे मुझे लगा कैमरा ऑन है, तो मैं सब कुछ कर रही हूँ, कभी बार हो जाती है ऐसी गलतियाँ। और इधर जो मैंने नारियल पीसवाया था अपनी बुढ़िया से, वो बिटिया से, तो नारियल देखिए मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और अभी थोड़ा नारियल वो और पीस के ला रही है इसमें डालने के लिए, तो अभी थोड़ा सा नारियल वो और ला रही है दूसरी बार में, क्योंकि पूरा एक साथ नहीं पिसा था, तो अभी वो लेके आ रही। सो गाइस देखिए, यहाँ पे दोबारा भी पीस गया है मेरा, और मैं हाथ से ही निकाल रही हूँ उसको। सो गाइस ये डालने के बाद यहाँ पे था मेरे पास मिल्क पाउडर, तो मैं डाल देती हूँ इसके अंदर मिल्क पाउडर। आधी सी कटोरी और ले लेती हूँ साथ में, या फिर सीधा ही डाल देती हूँ। सो ये था मेरे पास मिल्क पाउडर इधर, तो मैंने ये डाल लिया है मिल्क पाउडर। मैं कर लेती हूँ इसको मिक्स, और धीरे 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 इन सबको गूंद के मैं इनका बना लेती हूँ एक डो।
थोड़ा सा ये यूज हो गया है, मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर और डाल देती हूँ। सो गाइस देखिए परफेक्टली मेरी पास एक डो तैयार हो गया है और मैं करती हूँ एक प्लेट को ग्रीस करती हूँ ऐसे, और जो मैंने अपना डो बनाया है ये वो मैं इस प्लेट के ऊपर रख देती हूँ और इसको ऐसे अच्छे से फैला देती हूँ। ये गाइस बर्फी बनके हो गई है रेडी और मैं अभी कर लेती हूँ इसके पीसेस। यामी यामी मिठाई तैयार, और आज का मेरा ब्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ है गाइस। सो अभी तो मैं इनको तो रखने जा रही हूँ फ्रिज में ताकि ये टाइट हो जाए, बट अभी ब्लॉग खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। सो अभी रख देते हैं इसको फ्रिज में ताकि टाइट हो जाए और बच्चों के खाने के लिए बहुत ही अच्छी और हेल्दी चीज़ है, और इससे आपका बचा हुआ प्रसाद भी काम आ जाएगा और बच्चों ड्राई फ्रूट भी खा लेंगे और हेल्दी तो है ही है। सो बने रहिए कंटिन्यू। जो कि रेडी होने वाली है थोड़ी सी देर में। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक टिंडे की सब्जी भी रेडी हो जाएगी और फिर लगाते कान्हा जी का भोग खाने से। गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी लोग वीडियो देखते तो हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको आपके लिए आगे से नई वीडियो ला सकूँ। सो थैंक यू।